टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल आशीष। दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO में अप्रेंटिसशिप की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, तो फटाफट उसका डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि DRDO में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे कहाँ आई हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे जोधपुर में आई हुई है, जो वहाँ का डिफेंस लेबोरेटरी है वहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी होगी वो 2021-2022 ईयर के लिए यहाँ पे बुलाया गया है दोस्तों। और यहाँ पे आप डिप्लोमा और BSc पास आउट हो तो वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। जो BSc वाले कैंडिडेट हैं, अगर कंप्यूटर साइंस उन्होंने किया है तो उनके लिए एक पोस्ट है, PC वालों के लिए 2 पोस्ट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट है, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट है, और टोटल यहाँ पे 7 सीटें आपकी दी गई हैं दोस्तों। अगर स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं तो 9,000 रुपये मिलेंगे आपको, आप BSc है अगर आप डिप्लोमा है तो आपको 8,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। ठीक है दोस्तों, और देखिए एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट से फ्रेंड्स, और वहाँ पे स्कैन कॉपी करके वहाँ पे सारा डिटेल भर के आपको सेंड करना होगा इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं को एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है दोस्तों। देखिए यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, आप वहीं से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारा डिटेल भर के इसका स्कैन करके इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे दोस्तों वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लगाने होंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं कि आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, और आप लोगों को लगाना होगा फ्रेंड्स आधार कार्ड लगाना होगा, डिप्लोमा तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगाना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा दोस्तों, तो इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट आपको लगा कर तो वहाँ पे देना होगा। और देखिए फ्रेंड्स आपको क्या बोला है कि जो लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का फ्रेंड्स यहाँ पे 15 दिन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस दिन एडवर्टाइजमेंट निकला था, ठीक है, जिस दिन न्यूज़ में निकला था उस दिन से 15 दिन तक आपको, तो आप लोग जल्दी से फटाफट उसको मेल कर दीजिए उनको। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि नो इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, आपका जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, डिसीजन लिया है। देखिए दोस्तों, जो सिलेक्शन होने वाला है वो पूरी तरह से मेरिट बेस्ड होने वाला है, और जो भी सिलेक्शन कैंडिडेट लेंगे उनको जो ईमेल के द्वारा वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या रखी गई है कि आप लोगों को जो कैंडिडेट हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, apprenticeshipindia.org की जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपको MHRD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट इसमें क्या बोला है दोस्तों कि जो फ्रेश पास आउट कैंडिडेट हैं जो 2019 और 2020 यानी कि 2018 में आपका अगर पास आउट है, 19 में पास आउट है दोस्तों, अगर 20 में पास आउट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों नीचे क्या दिया गया है कि आप लोग जो है अगर फ्रेंड देखिए पास आउट है तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर फ्रेश है तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप अप्रेंटिसशिप कहीं से कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है फ्रेंड्स कि आप लोग जो ट्रेनिंग पीरियड होगी फ्रेंड्स वो 1 साल की होगी। और देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर का जो पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा वहाँ पे जब ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, एक पॉइंट और देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15 नंबर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आप लोगों को कोई हॉस्टल कैसे कोई भी क्वार्टर की व्यवस्था वहाँ पे नहीं दी जाएगी, आपको खुद रहना होगा, खुद खाना बनाना होगा, खुद सारी व्यवस्था करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे लॉग इन किए रहिए, सारा जो अपडेट होगा वहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आपको इस पे संपर्क करना होगा। ठीक है, आपको मेल करिएगा तो आप लोगों को वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको डाउनलोड करना होगा, यहाँ आपका फ़ोटो लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम सारा डिटेल आपको भरना होगा। और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें भर के यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर करना होगा यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे किस कौन सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका नाम लिखना होगा और आपको यहाँ पर भेज देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि बायोडाटा टू बी टाइप्ड इन दिस फार्मेट, आपको इन दिस फार्मेट टाइप कराना होगा दोस्तों। आप किसी भी साइबर के यहाँ चले जाइएगा, वहाँ से बोल दीजिएगा, वो वहाँ पे इसका निकाल के इसको टाइप करके आपको दे देंगे। और देखिए फ्रेंड्स दिया गया है कि एंड सबमिटेड दोज फील्ड बाय हैंड्स, आप अगर हाथ से भरे रहेंगे दोस्तों तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को वैकेंसी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही और जानकारी के लिए फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल पे, ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।